फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकोड़े, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने एक कटोरी बारीक चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, एक कटोरी गोभी, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, बेसन और ये सूखे मसाले कसूरी मेथी, हींग, सौंफ और अजवाइन। तो अब हम गोभी के पकौड़ों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई गोभी और बेसन, सूखे मसाले कसूरी मेथी, सौंफ, अजवाइन और हींग, ये भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डालकर हम मिक्स करके पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे। मसाला हमारा मिल चुका है, अब हम पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। पकौड़ों के लिए बेसन का घोल हमने तैयार करके रख दिया है, अब हम इसको 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे, फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। हम यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने धनिया लिया है, हरा लहसुन, अब एक मिक्सर के जार में इन सबको डालकर हम पीस लेंगे और चटनी बना लेंगे। यह वाली चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें बेसन का बैटर तेल में डालते जाएंगे और पकोड़े तलते जाएंगे। गोभी के पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, इसको डबल फ्राई करूंगी। ये वाले बहुत ही कुरकुरे लगते हैं, जो हम आधा कच्चा सेक लेते हैं उसके बाद डबल फ्राई करते हैं। ये वाले पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। गैस हमने सिमी कर रखी है ताकि हमारे गोभी के पकोड़े अंदर तक पक जाएं। हमारे पकोड़े एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। एक बैच हमारा तैयार हो गया है, अब हम दूसरा बैच डाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारे पकोड़े दबा लिए हैं, मैं एक एक करके इनको डबल फ्राई कर लूंगी। ये वाले पकोड़े जो हम डबल फ्राई करते हैं, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। हमारे कोटा में एक बहुत फेमस शॉप है पन्नालाल पकोड़ी वाला, उसके यहाँ भी इतने ही बढ़िया मज़ेदार गोभी के पकोड़े मिलते हैं। कोटा की सबसे फेमस शॉप है पन्नालाल पकोड़ी वाला। हमारे पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और अब हम दूसरे पकोड़े इसमें डाल देंगे। लीजिए, बनकर तैयार है हमारे गोभी के कुरकुरे पकोड़े। देखिए कितना बढ़िया टेस्टी, एक बार तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल पक गया है, खाने में टेस्टी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।